थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, दिन है आज नोवा और सुबह के 8 बजे हुए हैं। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ सोलांग वैली में और अभी निकलने वाला हूँ। आज के दिन में और आज की वीडियो में बहुत खास होने वाला है। हम देखने वाले हैं आज अटल टनल, जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है और सबसे ऊंचाई पे इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। और उसके बाद जैसे ही टनल क्रॉस करेंगे तो जो पीछे आपको वाइट वाइट पर्वत दिख रहे हैं बर्फ से ढके हुए, हम वहाँ पे होंगे, एकदम से निकलेंगे, तो उसका भी नज़ारा बहुत ही भव्य होगा। तो दोस्तों अब बिना समय गवाए निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ कैप्चर करते हैं। फिर से आ चुका हूँ मैदान में और सोलांग वैली से 4 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। और ये देखो नज़ारे आप, ये कैसे पेड़ बिल्कुल सीधे ऊपर हमारे, उधर बर्फ, और ये हेड क्वार्टर चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट योजाक। और दोस्तों वहाँ देख रहे हो सामने, वहाँ जाना है आज हमें। तो साइकिल अभी तक हमारा काफ़ी साथ दे रही है, सर्दी थी लेकिन जैसे थोड़ा चला गर्मी लगनी, जैकेट निकालनी पड़ी। और एक बार आप दृश्य देखो दोस्तों, ये देखो खूबसूरत दृश्य है, क्या नज़ारा है यार। और वो सफ़ेद जो पहाड़ दिखा है वहाँ पहुँचना है आज हमें, चलते हैं दोस्तों। सोचा था कि अटल टनल पे जाके ही शूट करूँगा आगे का, लेकिन इतना प्यारा व्यू है सामने का, अब उससे रहा नहीं गया। और दोस्तों सामने देखो, ये आपको दिख रहे हो तो अटल टनल दिख रही है यहाँ से, अभी भी 2-3 मिनट दूर है और बस पहुँचते हैं इन पहाड़ों के पास। दोस्तों थकान अब टॉर्चर करने वाली होने लगी है, क्योंकि ये देखे चढ़ाई आप, ये धो ये पहले से चढ़ाई होती आ रही है, और ये ऊपर ये देखो ऊपर, ये वहाँ जाना है सड़क पे। तो दोस्तों 2 किलोमीटर ना गाड़ी से अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी चढ़ाई हो तो फिर पता लगता है कि 2 किलोमीटर कितना ज़्यादा होता है। अभी मैं आंटी से ऑमलेट बनवा रहा हूँ, ऑमलेट खा के फिर मेहनत करते हैं। दोस्तों अब मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। मेरे इस YouTube वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ताकि मेरा घुमक्कड़ बाबा का परिवार थोड़ा बड़ा हो और मुझे मोटिवेशन मिले। आखिरकार दोस्तों अटल टनल पहुँच ही गया हूँ मैं। ये 10,040 फीट की ऊंचाई बना है और जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। दोस्तों ये वही टनल है जो आपने न्यूज़ वगैरह पर देखा होगा कि भारत की सबसे ऊंचे स्थान पे सबसे लंबी सड़क सुरंग। और यहाँ का देखो नज़ारा एक बार चारों तरफ का, ये कैसा व्यू आ रहा है। धूप निकली हुई अच्छी खासी, सर्दी अब लग नहीं रही। तो दोस्तों अब यहाँ हल्का फुल्का खा के, और देखो सुरंग आगे है उधर, वहाँ से निकलूँगा तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो खाली गेट बना हुआ है, इससे मात्र 20 मीटर आगे सुरंग स्टार्ट हो जाती है, और जब सुरंग ख़त्म होगी तो उसका नज़ारा देखने लायक होगा। दोस्तों ये टनल का मुख्य द्वार है और टनल स्टार्ट हो रही है, अभी आगे से दिखाते हैं आपको। पूरे 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अंदर से भी ये काफ़ी सुंदर बनी हुई है। और सबसे ख़ास बात इसकी है कि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे इस टनल से तो नज़ारा एकदम चेंज हो जाएगा। ये जो पर्वत ये दिख रहा है पहाड़ आपको बर्फ़ से ढका हुआ, इसके दूसरी तरफ निकलेंगे तो ये देखो ये स्टार्ट हो गया है। दिखाता हूँ अंदर से कैसी है ये, चालीस की स्पीड रख सकते हैं यहाँ पे, आवाज़ काफ़ी आ रही है, आवाज़ गूंजती है काफ़ी। तो दोस्तों ज़्यादा चौड़ी रोड है नहीं, ये यहाँ पे फ़ोन ऐसे चलाना सेफ नहीं रहेगा, तो मैं बाहर जब निकलूँगा तब आपको दिखाऊँ कैसी है टनल अंदर से। 8.5 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ टनल के अंदर, फ्लैट है इसलिए अच्छी अच्छी स्पीड चल रही है। अभी बस बाहर निकलने वाले हैं और सड़क पर एक अलग सी नमी है, यहाँ पर छत पर भी नमी है,
ये अंदेशा हो रहा है कहीं बाहर निकलते ही बर्फ के दर्शन ना हो जाए, जो लग रहा है, क्योंकि मैं साइकिल भी चला रहा हूँ तेजी से, इसके बावजूद मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो शायद बाहर का पूरा एरिया बर्फ़ से ढका मिलेगा। बस कुछ ही सेकंड की बात है, बाहर निकलने वाले हैं हम। यहाँ की स्पीड लिमिट हो चुकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये देखिए नॉर्थ पोल पोर्टल महज 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर। दोस्तों बस निकलते हैं बाहर, सर्दी यहाँ पर पूरी कड़क है, साइकिल चलाते टाइम ज़्यादा सर्दी लग रही है, मतलब सर्दी भरपूर है। लाइट थोड़ी बढ़ रही है विजिबिलिटी, शायद सुरंग का दूसरा द्वार गेट बस आने वाला है, और उसके बाहर आते ही समझ देखना आप नज़ारे क्या होंगे। अद्भुत नज़ारा मिलने वाला है। जी हाँ, लाइट बढ़ती जा रही है, लेकिन गेट नज़दीक आता जा रहा है, नॉर्थ पोर्टल। आगे से एक हल्का सा मोड़ है, देखते हैं इस मोड़ के बाद शायद गेट दिख जाना चाहिए, और स्पीड भी अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आने लगी, तो यहाँ पे वाहन चला सकते हैं इस स्पीड से। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाओ, ठीक है। ये 9 किलोमीटर की दूरी मैंने महज 17 मिनट में तय की है साइकिल से, जो कि फ्लैट है, और पहाड़ों में इतनी साइकिल चलाने के बाद फ्लैट का लग रहा है कि गाड़ी चला रहा हूँ मैं। दोस्तों आ चुका है नज़ारा, दिल थाम के बैठ जाओ और चूक मत जाना। ये यहाँ पे हमने पुलिस खड़ी है। जी हाँ, ये भव्य नज़ारा। गेट जहाँ से हम बाहर निकले हैं, और ये देखे दोस्तों ये नज़ारा, भाई वाह। और ये अब आगे रोड के साथ साथ हमारे साथ चलने वाला है नज़ारा, बर्फ रोड पे मिलने वाली है। इस गेट से हम निकलेंगे, ओके, इस पुल से सॉरी, और दिखाता हूँ आपको चारों तरफ का व्यू। ये देखिए काफ़ी अद्भुत नज़ारा है, देख के अच्छा लग रहा है। अटल टनल क्रॉस करने के बाद जो व्यू आता है वो कुछ इस प्रकार है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमें यहाँ से दो रास्ते निकलेंगे, एक रोहतांग पास के लिए और एक निकलेगा लेह लद्दाख के लिए। ये ब्रिज से हमें जाना है, और ये देखिए क्या खूबसूरत पहाड़ है, और ये आगे जो वाइट क्रॉस दिख रहे हैं उनके पास हमें जाना है। ये अब साथ में ये नदी हमारे साथ बहती रहेगी, और ये नज़ारे अब यूं ही चलते रहेंगे साथ में हमारे लेह लद्दाख में, और इससे ज़्यादा भव्य नज़ारे आगे आते रहेंगे। तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, और ऐसा फील हो रहा है जैसे जन्नत में आ गया हूँ मैं। धूप निकलने के बाद भी ठंड लग रही है, और मौसम भी बिल्कुल साफ है। ये देखिए पानी, ये नदी पीछे से आ रही है, ये बर्फ़ पिघल के आ रहा है, और ये पूरा लेह तक शायद हमारे साथ चलने वाली है। अटल टनल क्रॉस करने के बाद में ये सामने बिल्कुल टी पॉइंट आता है, सामने पहाड़ है, एक तरफ रास्ता गया हुआ है लेफ्ट साइड और एक तरफ गया है राइट साइड। देखिए लेह यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर है, कारगिल यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर, और श्रीनगर 560 किलोमीटर। अगर जाना है आपको रोहतांग तो आप निकलना राइट, रोहतांग यहाँ से 27 किलोमीटर है, जो रोहतांग पास है, और काजा 44 और सुमो 218।
निकलना है लेक लिए, तो अब हमारा रास्ता लेफ्ट की तरफ ये रहेगा और वो बर्फ़ दिख गया है, आंसू छूने का इरादा है। तो यूँ है कि बस नज़ारों में खो जाओ। देखो बगल में बर्फ़ बिल्कुल पिघल के नदी में जा रहा है और ये नज़ारे हैं दोस्तों, भाई वाह। अगर मैं यहाँ ना आता दोस्तों तो मैं ये नज़ारे कैसे देख पाता। शिशु 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अभी शिशु में कुछ खाएंगे पिएंगे। और केलांग यहाँ से 38 है, उदयपुर 74 है और किलर 154, दारचा 66। तो दोस्तों सारी जगह से गुजरना है, सारी फेमस जगह है ये और बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं इन जगहों को। तो बस रास्तों के वो इन पहाड़ों के मजे जितने लूट सकते हैं लूट लो। रास्ता काफ़ी आसान है लेकिन आगे चढ़ाई है, और जब तक आसान है तब तक तो चढ़ाई ले। देखिए कैसे बर्फ़ पिघल के पानी बन रहा है और नदी में बह रहा है। ये बर्फ़ है, 4 दिन पहले पड़ी, थोड़ी मैली सी हल्की है और ऊपर तक है, ऊपर से गिर के आई होगी ऊपर से। और ये पानी, और ये अपना रास्ता, वो पीछे रह गया अटल टनल जहाँ से हम आए हैं। देखो दोस्तों क्या व्यू है, आवाज दो हमको, हम खो गए। देखे दोस्तों नज़ारे, ये मन कर रहा है कि नहा लूं जाके, और कोशिश करूँगा कि आगे अगर लगेगा सुरक्षित थोड़ा स्थान है, क्योंकि गहरी तो है नहीं है, तो जरूर नहाऊँगा इसमें अगर लगा आगे कि थोड़ा सुरक्षित है। और साइकिल लगाने का थोड़ा एरिया होगा क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा इस ठंडे ठंडे और साफ पानी को देख के, इसकी आवाज़ बुला रही है। भाई वाह, देखो दोस्तों कौन नहीं आना चाहेगा यहाँ पे। और ये अब लेह लद्दाख के नज़ारों की ना अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, आगे ऐसे नज़ारे आएंगे कि मानो कि मैं इस वहीं पे 2-4 दिन रुक के चले। देखो बर्फ कैसे नीचे तक आ रखा ऊपर से गिर के। ये दिलकश नज़ारे हैं और रास्ते भी अब तो ढलान वाले हैं। ऐसे ऐसे दिल खुश होता चला जा रहा है। जाना कहाँ है ये देखना, तो यार यही खो जा रास्ते, ये नदियाँ ये नजारे। दोस्तों अब लग रहा है जितनी मेहनत की है वो कम है इन नज़ारों के सामने, कुछ भी नहीं है वो। और आखिरकार रास्ते भी थोड़े आसान आ गए हैं, अभी चलता रहेगा ऐसे, थोड़ा चढ़ाई थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाव, तो मतलब ऐसे रास्ते कट जाते हैं। दिक्कत वहाँ पे आती है जब चढ़ाई एकदम से बिल्कुल खड़ी हो और वो भी 10-12 किलोमीटर तक, तो आप चींटी की रफ्तार से आगे बढ़ पाते हो। अभी मैं 2 मिनट पहले चला था वहाँ से और मैंने 4-5 मीटर के आसपास रास्ता तय कर लिया, तो ऐसा रहा तो जल्दी पहुँच जाएंगे ले, लेकिन आगे तो चढ़ाई आने वाली है दोस्तों बहुत। कोई नहीं, इसी के लिए तो आए हैं। शायद वहाँ पर मुझे कोई पॉइंट लग रहा नीचे उतर के पानी को छूने का, थोड़ा शिशु दोस्तों 2 किलोमीटर रह गया यहाँ से, महज 2 किलोमीटर दूर शिशु है।
आज इस खूबसूरती को देख के दोस्तों निसब धूम है और बस महसूस किया जा सकता है, इस खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ थोड़े गाने गुनगुनाए जा सकते हैं। क्या संतुष्टि है दोस्तों यहाँ पे आके, कहीं और कहाँ मिलेगा संतुष्टि। चलो थोड़ा नदी को देखते हैं जाके। बाहर ही बोर्ड पे लिखा था कि नदी का जल बेहद ठंडा होने के कारण और बहाव तेज होने के कारण मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी दूर से आया हूँ तो पानी की ठंडक और शीतलता चेक करके जाऊंगा। भाई वाह भाई, सच में बर्फ़ है यार, सच में बर्फ़ है। ये देखिए दोस्तों, पानी का बहाव, शीतलता बिल्कुल, और बिल्कुल प्योर बर्फ़ पिघल के आ रही है यार। जैसे मई का महीना है, लेकिन यहाँ तो ठंडक ही ठंडक है। तो दोस्तों बढ़ता हूँ आगे। जी हाँ, आ चुके हैं हम सिसु में, और सामने का गेट दिख रहा है, सिसु का गेट है। और ये पेड़ पतझड़ हो रखा है, बिल्कुल सूखे पड़े हैं, लेकिन काफ़ी शांत और सुंदर सा ये छोटा सा गांव है सिसु। अटल टनल से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे हैं। भैया 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 आ जाओ आ जाओ। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ के पेड़ भी अलग ही स्वभाव रहते हैं, सीधे झुंड में खड़े रहते हैं, सुंदर लगते हैं काफी। और दोस्तों सिसु हम क्रॉस कर चुके हैं, अब हम लाहौल में आ चुके हैं। दोस्तों वो देखो सामने, लाहौल में हम आ चुके हैं। और दोस्तों अभी 4 ही बजे हैं शाम के, तो सफ़र काफ़ी खींचेंगे आज। थकान हुई थी मुझे रास्ते में, लेकिन अब रास्ते आसान है थोड़े। आगे चढ़ाई आ गई, फिर ढलान आ गया, चढ़ाई आ गई, ढलान आ गया। तो क्योंकि जितना खींच सकते हैं उतना खींच लेंगे, आगे तो फिर मुसीबत आने वाली है, तो वहाँ पर तो कम ही खींचेगा रास्ता। नहीं यहाँ में, यहाँ पे मैंने रुकना, इंग्लिश वाइन एंड बियर सो, हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे चढ़ाई है दोस्तों, थोड़ा पैदल चले जाएगा। कुछ देर अभी लाहौल में रुका हूँ और यहाँ के सुंदर दृश्य देख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सा वाटरफॉल भी है, जहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए काफ़ी फेमस है यहाँ का। और आज रात को सोच रहा हूँ यहाँ पे रुके, क्योंकि 2-4 चीज़ें आगे बहुत फेमस है, तो उनको भी देखते हैं। अभी यहाँ पे एक लोकल भाई ने बताया कि ये सिसु का बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, ऊपर से पानी पड़ता है और नीचे पड़ते ही बर्फ़ बन जाता है। ये देखो देखो दोस्तों नज़ारे कुदरत का। और ये गर्मी है इसलिए हो रहा है, धूप निकली हुई है, वरना ये सर्दी में जमा रहता है बस। हेलो गाइस, ये है विजय तोमर जी बागपत से, ये जा रहे हैं लेह। ये काफ़ी दिनों से इस टूर पर निकले हुए हैं और इनको अभी लगभग 10 दिन लग सकते हैं। हम तो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम गाड़ी के थ्रू जाएं, लेकिन इनका हौसला देख के हम तो सैल्यूट करते हैं आपको। थैंक यू मैम। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए इनको और आगे बढ़ाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों कुछ लोग और साइकिल से आ रहे हैं हिमाचल से ही, लेकिन इनकी साइकिल गियर वाली है। अरे राम रे, लोग कितने आराम चला रहे हैं पैर, और हम ठहरे। कोई नहीं, हौसला बढ़ता देख के कि भाई हमारे जैसा भी कोई हो रहा है जो साइकिल इस्तेमाल करना बंद कर रहा है। एक भैया आ रहे हैं पीछे, ये भी गियर वाले हैं, इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। भैया कहाँ से आ रहे हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हो? अरे वाह ग्रेट, कितने दिन हो गए आपको? मैं कह रहा हूँ कितने दिन हो गए आपको? राइड तो मनाली से शुरू किया, वैसे दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा
हाँ, मनाली से यहाँ से शुरू के लोकल से ना। ओके ओके, देखो सर अच्छा लगा। हाँ जी, यूपी से मैं जानता हूँ। जी जी, वहीं से आ रहा हूँ मैं, सोनीपत और मुजफ्फरनगर के बीच में। हाँ 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 जी, वहीं से। हाँ जी जी, मैं डॉक्टर हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और साइकिल को प्रमोट कर रहे हो? हाँ। मैं भी साइकिल को प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ तक आने में, ठीक है? बढ़िया। हाँ जी हाँ जी। एक आपके साथ मैं भी फोटो लूँगा यार। तो बहुत ही सुनहरा दिन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकित विनायक है। मैं IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स में मेडिकल डायरेक्टर के तौर पर काम करता हूँ। और मैं निकला था मनाली से ले की यात्रा में, मनाली से खारडुंगला। मेरे साथ विजय तोमर जी है, जो कि आप बागपत से आए हैं और 700 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुके हैं। ले तक साइकिलिंग कर रहे हैं एक नॉन गियर्ड फिक्सी साइकिल पे। हम लोग सब लोग जो है साइकिलिंग की दुनिया में बहुत सारी चीज़ों पर पड़ जाते हैं, साइकिलिंग के गियर ये वो वगैरह, गॉगल्स। और इनकी सादगी को देख के जो है मैं इनको प्रणाम करता हूँ। इनकी हिम्मत और मेहनत जो है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज प्रमोट कर रहे हैं साइकिलिस्ट के लिए कि सब लोग साइकिलिंग करें और साइकिलिस्ट के लिए सड़कों को सेफ बनाया जाए, ये दूर दूर तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ज़रा दोस्तों, बोटिंग हो रही है, कर रहा है मन कि मैं भी जाऊँ, लेकिन हमें तो ले पहुँचना है। इन सब चीज़ों के बाद कभी आएंगे तो करेंगे चीज़ें। काफ़ी आकर्षक ये दृश्य है। दोस्तों, अभी मैं लाहौल में हूँ और यहाँ की खूबसूरती ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया और मैंने यहाँ पे एक रूम ले लिया है, तो आज यहीं पे स्टे करूँगा। और देखो बालकनी का क्या व्यू है दोस्तों, और ये देखिए पीछे खेती हो रही है और यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। तो दोस्तों आज के लिए स्पीड में इतना था, बाकी कल हसीन नज़ारे और आपको जो है ना जो अच्छा आएगा दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों सपोर्ट